ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। यूरोप में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी हो रही है। भारतीय समुदाय के लोग उनका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। वो बहुत काइंड है, लविंग है। इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा, तो बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। दरअसल पीएम मोदी 21 अगस्त यानी बुधवार से पोलैंड और यूक्रेन की दौरे पर रहेंगे। शुरुआत में वो 2 दिन पोलैंड में ही बिताएंगे। ये ऐतिहासिक मौका है कि भारत के कोई प्रधानमंत्री 45 वर्षों में पहली बार पोलैंड की यात्रा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल बी अंडरटेकिंग एन ऑफिशियल विजिट टू पोलैंड दिस वीक ऑन 21st एंड 22nd अगस्त एट द इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हिज एक्सीलेंसी डोनाल्ड टुस्क। दिस इज अ लैंडमार्क विजिट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज विजिटिंग पोलैंड आफ्टर 45 ईयर्स। The visit takes place as we also mark the 70th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. जैसे ही पीएम मोदी के पोलैंड दौरे की खबर सामने आई तो वहां रह रहे भारतीय खुशी से झूम उठे। पोलैंड की राजधानी वर्सा में कारोबार कर रहे भारतीयों को उनके दौरे से काफी उम्मीदें हैं। पोलैंड में कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आया नहीं है पिछले 40 साल से, तो हम काफी एक्साइटेड हैं कि इंडिया और पोलैंड के रिलेशंस और भी बेटर होंगे। एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है और ये हम देख पा रहे हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स और कलीग्स हैं जो दूसरे सिटीज में हैं, क्रैको और गदान्स्क, वो स्पेशली हमसे अपडेट ले रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना रिजर्वेशन कर लिया है। उनके लिए तो मतलब संदेश यही होगा कि यूरोप और इंडिया के बीच में टाइज जो है वो और भी ज्यादा बढ़ाए, लाइक ज्यादा से ज्यादा ट्रेड अग्रीमेंट करे, because there are many similarities between Europe and India जो कि synergies create कर सकती है, और like बहुत market open है Europe का, बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। पोलैंड के दौरे के बाद पीएम मोदी का अगला बड़ा मिशन यूक्रेन होगा। इस दौरे पर भी रूस, अमेरिका और दूसरे बड़े देशों की निगाहें टिकी रहेंगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीएम मोदी यूक्रेन रूस युद्ध के बीच वहां जा रहे हैं। पीएम के इस दौरे से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से बातचीत के विकल्प पर जोर दिया। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति के नियुक्ति पर वहां जाएंगे। India has maintained a very clear and consistent position that diplomacy and dialogue can resolve this conflict and which can lead to enduring peace. So dialogue is absolutely essential. जाहिर है ये दौरा न सिर्फ यूरोप बल्कि उससे बाहर भी काफी सुर्खियां बटोरेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की धमक भी दिखाता है। अगले कुछ दिन नजरें पीएम मोदी, पोलैंड और यूक्रेन पर टिकाए रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।